गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गेस्टोलेवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर एट द आउटसेट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस वीडियो को शेयर करें यह साइंटिफिक कंटेंट है मैं समझता हूं बहुत सारी चीजों को समझने में आपको मदद करेगा जहां तक एबडामन का सवाल है या पेट का सवाल है वास्तव में मेडिकली इसे चार भागों में जाता है। इसको आप ध्यान से देखिए। ये जो चार भाग होते हैं ये इस तरह के होते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट, जो इस तरफ का एरिया है जहां मेरा हाथ रखा हुआ है लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, जहां मेरा हाथ रखा हुआ है राइट अपर क्वाड्रेंट के नीचे होगा राइट लोअर क्वाड्रेंट एंड लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट के नीचे होगा लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट इसको जो नाम बोलते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट आप ध्यान से देखिए जहां मेरा हाथ रखा हुआ है या जो दाई तरफ के जो पसली और पसली के नीचे का एरिया है आज हम बात करेंगे कि जो राइट अपर क्वाड्रेंट है या राइट right, पसली या पसली के नीचे का जो एरिया है यहां वास्तव में कौन से ऑर्गन होते हैं इन इनकी क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जो आपको सिम्टम लेके आ सकती हैं और उन्हें आपको क्या करने की जरूरत है। ये तो ये जो एरिया है, ये right कहलाता है ये पसली के नीचे का एरिया है इसे राइट right हाइपो भी कहा जाता है मोटे तौर पर अगर हम देखें तो यही ऑर्गन इस एरिया में होते हैं इन ऑर्गन को आप ध्यान से देखिए यहां पर लिवर होगा यहां गाल गालबर होगा यहां पे बाइल होगी यहां पे जो खाने की थैली है उसका आगे का हिस्सा होगा और बहुत सारे ऑर्गन्स आएंगे जहां से के आपको सिम्टम आ सकते हैं लेकिन आप कॉमन सेंस से देखिए कि सिम्टम्स कहां से आ सकते हैं देखिए इस एरिया की जो स्किन है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है से फॉर एग्जाम्पल इसमें अगर आपको एक फोड़ा भी हो जाता है आपको फुंसी भी हो जाती है तो इसमें पेन होगा यहां से सिम्टम आएंगे ये जो स्किन है स्किन के नीचे मांसपेशी है अगर किसी भी कारण से आपकी मांसपेशी खिंच गई है या पुल हो गई है या उसमें कोई चोट लग गई है तो उससे दर्द आएगा वो जो मांसपेशी है उसमें कुछ नर्व्स होती हैं या नसें होती हैं उस नर्व में अगर कोई प्रॉब्लम है तो भी आपको पेन आएगा ऐसे ही इसके जो एडजॉइनिंग एरिया है फॉर एग्जाम्पल इसका जो एडजॉइनिंग है ये पसली है अगर पसली में कुछ प्रॉब्लम होगी तो भी ये पेन आएगा तो अगर कॉमन सेंस से देखें तो स्किन से दर्द आ सकता है मसल से दर्द आ सकता है नर्व से दर्द आ सकता है जो एडजॉइनिंग बोन है या कॉस्टल मार्जिन है वहां से भी दर्द आ सकता है आपको कॉमन सेंस से यह भी समझने की जरूरत है कि दर्द क्यों आएगा दर्द या तो चोट लगने के चलते आएगा मुझे एक्सीडेंट हो गया कोई चोट लग गई मुझे किसी ने मार दिया उसमें चोट लग गई या कि कोई डिजीज प्रोसेस है जो दर्द लेके आ रही है तो या तो ट्रामा दर्द लेके आएगा या जो डिजीज की जो प्रोसेस है वो दर्द लेके आएगी नौ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यह समझने की अंदर के वो कौन से ऑर्गन्स हैं जो दर्द लेके आते हैं जो दर्द लेके आएंगे या सिम्टम्स लेके आएंगे जो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं उनको आप ध्यान से देखें जो कॉमनली जो पेन आता है या डिस्कंफर्ट आता है जो अंदर के ऑर्गन से उनको कॉमन ऑर्गन को ध्यान से देखें नंबर वन पर आता है लिवर अगर लिवर में कोई प्रॉब्लम होगी तो यहां पेन आएगा सिम्टम आएंगे नंबर दो पे आते हैं गालबर एंड बाइल डक्ट या जिसे कहते हैं कॉमन बाइल लक इनमें कोई प्रॉब्लम होगी तो यहां पे इन आएगा इसके बाद आता है ड्यूरनल बल्ब एंड एंट्रम जो ड्यूर बल्ब है अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वहां से आपको दर्द आएगा इन नंबर चार पर आता है पेनक्रियाटिक पेन पर्टिकुलरली पेनक्रियास के हेड के एरिया का पेन वो इस एरिया में आ सकता है जिसे राइट अपर क्वाड्रेंट कहते हैं तो ये चार ही मेन ऑर्गन है जहां का दर्द वास्तव में आपको इस तरफ आता है जो आपको समझने की जरूरत है बट

लगता है इसे रेफर्ड पेन कहते हैं बिकॉज इस एरिया की जो नर्व सप्लाई है एंड राइट शोल्डर की जो नर्व सप्लाई है वो ऑलमोस्ट एक जैसी होती है इसका मतलब ये है कि जो रेफर्ड पेन है वो भी यहां महसूस हो सकते हैं बट सबसे ज्यादा जो खतरनाक है वो है हार्ट का दर्द कभी कभी जो हार्ट का जो दर्द है वो यहां के बजाय आपको मिड चेस्ट में Epikastium में कभी आपको राइट हाइपोकोड्रियम में महसूस हो सकता है, इन आपको हार्ट फेलियर है तो लिवर है वो फूल जाता है इन आपको यहां ये राइट शोल्डर या नेक के एरिया से आ सकता है ये, ये, ये वास्तव में हार्ट से आ सकता है तो जब भी यहां दर्द होता है तो इन चार चीजों को भी हमें ध्यान देने की जरूरत होती है जब भी आपको पेन आया या आपको डिसकंफर्ट आया तो सर्टिन पॉइंट्स जो मैं चाहता हूं कि एज नॉट मेडिकल मैन बट एज कॉमन सेंस आपको इन चीजों पर ध्यान देना चाहिए कि जो पेन आया उसका ऑनसेट कैसा था ऑनसेट इसका मतलब है कि ये सडनली आया या ये धीरे धीरे आया कुछ दर्द हैं जो बिल्कुल सडनली आते हैं जैसे स्टोन का पेन है सडनली आएगा जो ग्रेजुअल है बहुत सारे पेन हैं जो दीरे -दीरे है जो धीरे धीरे आते हैं ये जो दर्द आया ये दिन के समय आया ये रात के समय आया जो रात के समय आया जब आप सो चुके उसके एक घंटे बाद आया या एक घंटे चार घंटे बा, बा, चार बाद आया बाई एंड लार्ज जो गालमेडर के स्टोन का पेन है आपकी नींद लगी उसके एक घंटे बाद आएगा जो अल्सर का पेन है आपकी नींद लगी उसके चार घंटे बाद आएगा तो नॉक्टर्नल है पेन कि पेन कि डे टाइम में है इसको आपको समझने की जरूरत है आपको यह भी समझने की जरूरत है कि यह दर्द आया यह खाली पेट पे आया या यह दर्द भरे पेट पे, पे आया जो फूड पेन रिलेशनशिप है यह वास्तव में अल्सर जैसी बीमारियों में इट इज वेरी वेरी कॉमन जब भी आपको दर्द होता है तो उसकी जो प्रोग्रेस है उस पर आपको हमेशा ध्यान देने की जरूरत है क्या यह कंटिन्यूस पेन है और स्टेडी है मोस्ट ऑफ़ पेशेंट जो ऐसे कंटिन्यूस होते है, है, इसमें भी हो रहे हैं उनमें हमेशा लेकर आएगा क्या यह कंटिन्यूस पेन है बट ग्रेजुअली बढ़ता चला जा रहा है इस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है या आपको ध्यान देने की जरूरत है कि जो दर्द हो रहा है ऐसा तो नहीं है कि अनबेरेबल पेन है शार्प है शूटिंग है एंड बहुत हाई स्पीड से जो ऊपर

आपको स्टूल के कलर पे ध्यान देने की जरूरत है आपके स्टूल का कलर नॉर्मल है व्हाइट है

हो गया है ये देखिए आपने कभी कोई ऑपरेशन तो नहीं कराया कभी ऐसा हो जाता है कि आपने ऑपरेशन कराया उसके बाद कभी आप आपस में चिपकने लगती है तो दर्द आने लगता है कमर में दर्द रहता है आप पेन किलर लेते हैं, तो आप जानते हैं कि पेन किलर जो अंदर करके जैसी बीमारी बनाने की ताकत रखते हैं तो आप देखिए कहीं आपको रेगुलर पेन किलर तो नहीं ले रहे हैं देखिए आपको बहुत लंबे समय से एसिडिटी या उस तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तो रिस्क बढ़ ता है कि कहीं आपको अल्सर जैसी कोई डिजीज तो नहीं पड़ी हुई है एंड हमारा जो कंट्री है उसमें ट्यूबरक्लोसिस इतनी ज्यादा प्रीवेलेंट है एंड कॉमन है कि आपको हमेशा ध्यान रखने की जरूरत है हमेशा याद रखने की जरूरत है कि आपको पहले कभी कोई टीबी की बीमारी तो नहीं हुई चाहे वो फेफड़े में हुई हो चाहे बोन में हुई हो कहीं भी हुई कभी क्या आपने टीबी की बीमारी का कोई ट्रीटमेंट कराया नाउ इसके अलावा आपको हमेशा ध्यान देना है कि कहीं कोई एसोसिएटेड इलनेसेस तो नहीं है आपके शरीर में इन द सेंस कि आपको डायबिटीज तो नहीं है अगर है तो वो कंट्रोल्ड है या अनकंट्रोल्ड है आपको कहीं ब्लड प्रेशर की बीमारी तो नहीं है उसके लिए आप क्या दवा ले रहे हैं ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल्ड है कि नहीं है आपको कहीं हार्ट डिजीज तो नहीं है उसके लिए आप क्या दवा ले रहे हैं आपको चलने फिरने में सांस कितनी फूलती है आपको थायराइड की बीमारी है कि नहीं है थायराइड है तो हाइपर है कि हाइपोथायराइडिज्म है उसके लिए आप क्या दवाइयां ले रहे हैं ऐसे ही अगर आपको अस्थमा या ब्रोंकियल अस्थमा जैसी बीमारी है तो उसके लिए क्या दवाइयां ले रहे हैं यह आपकी जानकारी में होना चाहिए तो मैं समझता हूं कि जो एसोसिएटेड असोसिएटेड हैं उनके बारे में आपको हमेशा डिटेल जो है जानने जानकारी होनी चाहिए क्योंकि बहुत बार एस डॉक्टर हम महसूस करते हैं कि आपको बीमारी होती है आपको कुछ भी मालूम नहीं होता उसके बारे में कि आपको शुगर की बीमारी है आप क्या दवाई खाते हैं आपका हमेशा जवाब आता है वो जो डॉक्टर ने दवाई लिख दी वो खाते हैं मैं ऐसा मानता हूं कि आपको जानकारी होना चाहिए कि आप क्या दवा खाते हैं ऐसे ही अगर आप समझते हैं कि ऐसी कोई जानकारी है जो आप अपने डॉक्टर को देना चाहते हैं तो जरूर आपको देनी चाहिए ना बिहेवियर है पेन का उस पर ध्यान दीजिए जैसे बिहेवियर से मेरा मतलब है कि आपको दर्द आया क्या दर्द अपने आप ठीक हो गया जो दर्द आया क्या जो होम रेमेडीज है उन्हीं से ठीक हो गया आपने थोड़ा सा पुदीन हर, हरा पिया आपने थोड़ी सी हींग लगा ली आपने थोड़ी सी हींग खाई क्या उससे ठीक हो गया या कोई एक्ट ऐसा है जिससे रिलीफ हुई कि लेटने में दर्द था आप बैठते हैं तो उसमें फर्क पड़ जाता है या आपने उंगली डाल के उल्टी कर दी तो उससे दर्द चला गया या आप चले गए गैस पास हो गई उससे दर्द चला गया तो ऐसा कोई एक्ट जो आप समझते हैं कि उससे पेन में रिलीफ हो जाती है आपको उसको उसको वॉच करना है आपको है आपको आपको उसके अपने डॉक्टर को बताना देखना है कि जो दर्द आया क्या ये मुंह से आपने जो गोली खाई या कैप्सूल खाया उसी से आराम आ गया या आपको इंजेक्शन लेने की जरूरत पड़ी ये चीज आपको बताने की जरूरत है तो जो बिहेवियर पेन का वो बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट इश्यू है आप इसकी जो हमें जानकारी देते हैं उसे हम जज करने की कोशिश करते हैं कि आपका जो पेन है उसकी सीवियरिटी कैसी है बट द मोस्ट कॉमन कॉजेस मैं चाहता हूं कि आपकी जानकारी में होना चाहिए क्योंकि इनके बारे में आगे के वीडियोस में हम एक-एक करके बात करेंगे गॉलस्टोन एंड द गॉल ब्लडर प्रॉब्लम्स

चार पर अगर आपकी किडनी में स्टोन है या किडनी में इंफेक्शन हैं तो वास्तव में इस एरिया में दर्द आता है और नंबर पांच पर आता है हर्पीजॉस्टर जिसे शिंगल्स भी कहते हैं अगर इस एरिया में स्किन में आपको हर्पीज जॉस्टर डेवलप हुआ तो वास्तव में दर्द आएगा तो अगर हम कॉमन काजेज की बात करें तो ये कॉमन काजेज ये पांच हैं जिनके चल जिनके कारण आपको दर्द आता है या डिस्कंफर्ट आता है जो आपको हॉस्पिटल में भेजता है इनके बारे में हम डिटेल में आगे की वीडियोज में बात मैं बात करेंगे लेकिन आपको समझने की जरूरत है स्टोन्स और और मैं समझता हूं जो राइट हाइपोकॉन्ड्रियम है या ये वाला जो एरिया है जहां मेरा हाथ रखा हुआ है दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एरिया ये के पसली का एरिया है इसे राइट अपर क्वाड्रेंट भी कहा जाता है इसमें जो पेन आते हैं वो अचानक आ सकते हैं वो स्किन से आ सकते हैं नर्व से आ सकते हैं मसल से आ सकते हैं बट अंदर के ऑर्गन से आ सकते हैं जो अंदर के ऑर्गन से आते हैं उनके जो आई मीन प्रेजेंटेशन इज इंटायरली डिफरेंट इन जो डिजीजे हैं वो बहुत सारी हैं जिनके बारे में हम एक एक करके बात करेंगे अगर आप समझते हैं राइट अपर क्वाड्रेंट के अंदर जो ऑर्गन हैं उनके बिहेवियर को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम लिवर हॉस्पिटल स्वरूप नगर कानपुर थैंक यू वेरी मच